बसंत पंचमी के पावन पर्व पर पारंपरिक परंपराओं के अनुसार भगवान रुद्रनाथ की शीतकालीन गद्य स्थल गोपीनाथ में रुद्रनाथ मंदिर के कपाट खुलने की तिथि तय की गई। इस दौरान मुख्य पुजारी हक हकुकधारी की मौजूदगी में पंचांग पूजा की गई और भगवान रुद्रनाथ के कपाट खुलने का शुभ मुहूर्त तय किया गया। मुख्य पुजारी बताते हैं कि ये धार्मिक परंपराएं हैं। शीतकाल में भगवान रुद्रनाथ के कपाट बंद रहते हैं और भगवान रुद्रनाथ की चल विग्रह डोली अपने शीतकालीन गद्य स्थल गोपीनाथ में विराजमान रहती है। इसके बाद कपाट खुलने की प्रक्रिया और तिथि हर वर्ष बसंत पंचमी के पावन पर्व पर पूजा अर्चना के साथ तय की जाती है। मंगलम भगवान शंभो, मंगलम वृषभध्वजा, मंगलम पार्वती नाथो, मंगलायतनो हरि। बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर भगवान श्री चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी के कपाट खुलने की तिथि सुनिश्चित की गई है। 19 मई जो है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान श्री रुद्रनाथ जी के कपाट खोल दिए जाएंगे और 15 मई जय संक्रांति के दिन भगवान श्री रुद्रनाथ जी अपने गद्य स्थल पर विराजमान होंगे और दर्शनार्थ के लिए भगवान श्री रुद्रनाथ जी को 2 दिन के लिए गद्य स्थल पर विराजमान किया जाएगा। समय साक्ष्य के लिए चमोली से सुरेंद्र रावत की खास खबर। पंचांग गंगा स्नान फलम।